1996 से लेकर और 2017 के बीच में जितनी सरकार थी, जितना गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान हुआ, उससे लगभग 11,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मूल्य का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सिर्फ 7 साल में किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी का एक बेहतर पारदर्शी तरीका बनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2014 से लेकर के अब तक लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा और कुछ फसलों का 2 गुना से ज़्यादा मूल्य की वृद्धि की है, तो उसके माध्यम से किसान भाइयों को अच्छी आमदनी मिल रही है। कुछ ही दिन बाकी हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में किसान एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री हैं सुप्रताप शाही जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाही जी, सबसे पहले इंडिया टुडे के किसान तक में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाही जी। मेरा पहला सवाल है कि 2-3 महीने 4 महीने का वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश में देश में लोकसभा चुनाव, मतलब ऐसे में किसान एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी चल रही है और उनको आने वाले दिनों में कितनी बड़ी राहत मिलेगी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सालों भर 365 दिन काम करने वाली सरकार है। सिर्फ वो चुनाव को देख करके काम करने वाली नहीं है, बल्कि हमारा कमिटमेंट है किसान के साथ, गरीब के साथ और समाज के वंचित लोगों को, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। और इस नाते शुरू से ही जो उन्होंने 2014 में सरकार बनाई, तब से अनेक योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया किसान भाइयों के खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, और इसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। राज्य के भीतर अभी हम लोगों ने रवि गोष्ठी का आयोजन किया है और इस साल लगभग 140 लाख हेक्टेयर में रवि की फसल लगाई जा रही है। हमने फोकस किया है कि दलहन और तिलहन के खेती को राज्य के भीतर बढ़ावा दिया जाए, और इस नाते पिछले साल से ही हम लोगों ने किसान भाइयों को निशुल्क मिनी किट देकर के सरसों और राई तोरिया का और साथ में चना मटर मसूर का तिलहन और दलहन की खेती को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इस साल लगभग 11 लाख किसानों को हमने मिनी किट अब तक उपलब्ध करवाया है। 60,000 उसके भीतर हमने दिया था मिनी किट सीजन का, और शेष जो है वो दलहन और तिलहन के मिनी किट दिए गए हैं, जिससे कि राज्य के भीतर विगत वर्षों में अच्छा क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश के भीतर तिलहन और दलहन का बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बने, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को पूरा किए जाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश के भीतर पिछले 2 वर्षों से निशुल्क मिनी किट योजना चला रही है, जो 2027 तक चलेगी। तो इसलिए ये कहना कि खाली चुनाव को देख करके क्या तैयारी हो रही है, हम लोग ग्राउंड लेवल पर निरंतर ये काम कर रहे हैं कि जिससे किसान भाइयों को खुशहाली हो। योगी जी की सरकार ने गन्ना किसानों के ऊपर भी ध्यान दिया, और राज्य के भीतर जब हमारी सरकार बनी थी उस समय 113 चीनी मिलें संचालित थीं, इस पहला ही सीजन में 220 चीनी मिलें संचालित हुई हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर उनके कैपेसिटी का विस्तार किया गया है, और उसके परिणाम स्वरूप 2,25,000 करोड़ रुपए के करीब का भुगतान इन 7 वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और यदि उसको देखा जाए तो 1996 से लेकर और 2017 के बीच में जितनी सरकार थी, जितना गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान हुआ, उससे लगभग 11,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मूल्य का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सिर्फ 7 साल में किया है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो उसके मुकाबले उत्पादकता बहुत कम है, ऐसा क्यों? पिछले दिनों में हम लोगों ने उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टि से भी प्रयास किया है। हमारे गेहूं की भी उत्पादकता बढ़ी है, लगभग 5 क्विंटल के करीब हम लोगों ने अपना उत्पादन प्रति हेक्टेयर बढ़ाया है, और इसी तरीके से धान की भी बढ़ाई है और दलहन और तिलहन की भी उत्पादकता को बढ़ाया है। तो हम जहाँ क्षेत्रफल आच्छादन पर जोर दे रहे हैं, वहीं पर प्रोडक्टिविटी पर भी जोर दे रहे हैं। इसी प्रकार से गन्ना किसान भाइयों को भी जो सर पहले के मुकाबले गन्ना जो मिले हैं वो सही चल रही हैं सर? बहुत अच्छे से चल रही हैं, और कुछ चीनी मिलों के द्वारा तो एडवांस पेमेंट किया गया है। जो निजी क्षेत्र की हमारी चीनी मिलें हैं उसमें से एडवांस पेमेंट भी हो 135-137% पेमेंट चल रहा है। सर अब तक कितने गन्ना किसानों का भुगतान हो गया और अभी कितना बाकी है?
देखिए लगातार ये सतत प्रक्रिया है, अभी तो पिराई सत्र शुरू हुआ है, रोज गन्ना खरीदा जा रहा है, रोज पिरा जा रहा है, तो ये निरंतर चल रहा है और ये प्रयास हो रहा है कि किसान भाइयों को ठीक प्रकार से वो गन्ने का मूल्य का भुगतान उनको मिले। और कल मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से भी इसकी समीक्षा करके और जो पिछले साल का बकाया है उनको 31 दिसंबर के पहले भुगतान करने के लिए निर्देशित किया है। सर और कौन सी बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं किसानों को? देखिए योजनाओं के जरिए योगी जी की सरकार ने ये तय किया है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नगर जनपद में बनाया जाएगा और उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। उसकी RFT तैयार होकर के कर दिया गया है और उसको ग्लोबल टेंडर इनवाइट किए गए हैं और जो फाइनल हो जाएंगे उसके बाद उसका काम शुरू होगा। तो यह अपने में एक बहुत बड़ी योजना है। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने पिछले 6-7 साल के भीतर 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किया है। सभी विश्वविद्यालय हमारे ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर दिए हैं और उसके परिणाम स्वरूप छात्रों की संख्या भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ी है। और इन सब चीज़ों को एकीकृत करके ये प्रयास हुआ है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी का एक बेहतर पारदर्शी तरीका बनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2014 से लेकर के अब तक लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा और कुछ फसलों का 2 गुना से ज़्यादा मूल्य की वृद्धि की है, तो उसके माध्यम से किसान भाइयों को अच्छी आमदनी मिल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी की खरीदारी की ठीक प्रकार की व्यवस्था के कारण आज बाजार भाव भी ऊपर की ओर उठे हैं और किसान भाइयों को जो अपना औने पौने कीमतों पर गेहूँ या धान या ज्वार बाजरे बेचने पड़ते थे आज वो नहीं हो रहा है। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस सीजन में वो चल रहा है, खरीफ का सीजन खत्म हुआ है और बाजरे की भी खरीद करा रही है, मक्के की भी करा रही है। अन्न महोत्सव का आयोजन होने वाला था सर, वो हो चुका नहीं, एक और आप भूल में भी होना। अभी हम लोगों ने किया था नवंबर महीने में, यही एक महाकुंभ होने वाला था सर, महाकुंभ के बारे में अभी डिसीजन नहीं हो पाए हैं और वो आगे की दिनों देखा जाएगा। सर एक जो पूर्वांचल आप कृषि विश्वविद्यालय बना रहे हैं कुशीनगर में, इससे आने वाले कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे? इसमें गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के सभी जनपद इसके भीतर शामिल रहेंगे। तो ये हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी थे जिन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में जो हमारा जो ग्राउंड लेवल पे वर्क है वो किसानों के लिए वो जारी है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी सौगात सरकार और दे सकती है। नवीला सूरी, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।